Hi guys, welcome back to my channel, Knowledge Corner. Yes, this channel is named as Knowledge Corner now, और मैं हूँ आपकी सिप्रा. So friends, मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया है. इसकी एक बहुत लंबी कहानी है. आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी सर्वे, सो मेनी ओपिनियन, सो मेनी फीडबैक्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर्स. आई मीन जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी यूट्यूब कर रहे हैं, तो उनसे उनका एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया. उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे चैनल के कंटेंट के हिसाब से ये नाम शूट करता है, सो आई चेंज द चैनल नेम. काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ फ्रेंड्स, माई एपोलॉजीज फॉर दैट. बट आपके लिए मैं जो टॉपिक आज लेके आई हूँ, आई एम श्योर यू विल लव इट, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आज के डेट में हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में, क्योंकि सब लोग अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है. सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है. एज अ पेरेंट मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो अच्छे गुड हेल्थ के साथ, गुड न्यूट्रिशन के साथ अपना हेल्थ का ख्याल रखे और वैसे ही ग्रो करे इन अ पॉजिटिव वे. सो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इसके थ्रू, बहुत सारा सर्वे भी मैं गो थ्रू की, तो उससे मुझे जो भी पता चला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो सस्पेंस को हटा के मैं आपके साथ ये टॉपिक आज शेयर करना चाहती हूँ, जिसका नाम है चाइल्ड ओबेसिटी. यस, चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में आज हम ब्रीफ में बात करेंगे. इसके रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट आता है, इसके चलते बच्चों में क्या क्या डिजीज़ डेवलप होते जाते हैं और इसका प्रिवेंशन का क्या प्रोसेस है, कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टू दिस डिस्कशन फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, चाइल्डहुड ओबेसिटी हैज़ गेन्ड द पॉपुलरिटी वर्ल्ड वाइड नाउ इडेज. इट्स अ सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न आई कैन से. तो ये पॉपुलरिटी वर्ल्ड वाइड क्यों गेन हो रहा है? ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग प्रेवलेंस एंड एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क. इसके चलते बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, जिसमें पहला पॉइंट है प्रेवलेंस. इसमें मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि चाइल्ड ओबेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका रेट इंक्रीज हुआ है थ्रू आउट द डिकेड्स. काफ़ी सारे डिकेड से ये जो रेट ऑफ रेशियो है ये बढ़ता जा रहा है. ये चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स एंड जियोग्राफिकल रीजंस. सो मोस्टली ये पॉइंट उसके बारे में था. तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कॉजेज के बारे में. चाइल्ड ओबेसिटी आखिर होता क्यों है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. इट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक्स, या फिर हो सकता है बिहेवियरल चेंजेस, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर हो सकता है सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स. सो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स रीजन है वो जेनेटिक्स हो सकते हैं. मतलब आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने फैमिली बैकग्राउंड से किसी से ये चीज़ें इनहेरिट होके आपके पास आया है, जो बचपन से ही आपके अंदर है. जैसे मेरे फैमिली में है, मेरे फैमिली में ज़्यादातर लोग ओबीज है, तो उनसे मुझे ये मिला है विरासत में. इसलिए मैं थोड़ा सा भी कुछ अनसन खा लेती हूँ या फिर मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस आता है तो मेरा ओवरनाइट वेट गेन हो जाता है. यस, मैं ओबीज अभी भी हूँ. मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट अभी ओवर वेट है. आई एम वर्किंग ऑन इट. सो यस, जेनेटिक्स एक फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर है. इसको छोड़ के आपका लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया, अगर आप अनहेल्दी खाना कंज्यूम कर रहे हैं हर दिन, वो फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, या फिर आपका खाने का टाइमिंग इधर उधर जा रहा है, आपका जो स्नैकिंग का टाइम है आप वो स्किप कर रहे हो या फिर ब्रेकफास्ट स्किप करो, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए. इसको छोड़ के लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज तो फ्रेंड्स करना ही पड़ेगा. आपके बच्चों को आप इंस्पायर कीजिए. सुबह उठ के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो लोग भी मोटिवेट होंगे आपके साथ. थोड़ा बहुत योगा या फिर एक्सरसाइज या फिर रनिंग, बच्चों को सुबह स्कूल जाने से पहले या फिर कुछ भी बचपन से आप बच्चों को कुछ प्रैक्टिस कराइए कि कैसे बॉडी को हर टाइम एक्टिव रखना है. बच्चे तो एक्टिव होते ही हैं, लेकिन जो बच्चे डल है, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, उनको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कराइए, उनके साथ खेलिए, तो उससे क्या होता है ना, उनका ब्रेन भी एक्टिव रहता है और ओबीज से हम उन्हें डेफिनेटली बचा सकते हैं.
इसके अलावा फैमिली लाइफस्टाइल भी एक हैबिट बन जाता है। आपके घर में अगर हर कोई उसी पैटर्न में अपना लाइफस्टाइल परस्यू कर रहे हैं तो बच्चे भी उनसे वही सीखते हैं। घर से ही बच्चे सब कुछ सीखते हैं, घर ही पहला स्कूल होता है। तो आप अगर अपने बच्चों को ये ओबीज की बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आप अपना खुद का लाइफस्टाइल पहले सुधारिए और बच्चों को भी उससे मोटिवेट कराइए कि इससे क्या होता है। बच्चों के साथ हमेशा इंटरेक्टिव रहिए, इनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है उनके लाइफ के ऊपर वो आप उनको समझाइए ताकि वो मोटिवेट हो और आपसे इंस्पायर होकर वही सारी चीज़ें करें। इसके अलावा और एक मेजर फैक्टर है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जिसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ फूड मार्केटिंग एंड एक्सेसिबिलिटी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मोस्टली चाइल्ड ओबेसिटी देखने के लिए मिलता है, जिसको हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाना है। धीरे धीरे ही सही, बट इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया अबाउट द कॉजेस। अभी बात करते हैं इसके हेल्थ रिस्क के बारे में। बहुत सारे सीरियस हेल्थ कंडीशन हो सकते हैं अगर आपका चाइल्ड ओबीज है, जिसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर ओवरवेट है और ओबीज बन गया है आपका चाइल्ड तो देयर इज़ अ हेल्थ रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, Type 2 diabetes, देन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एनी हार्ट डिजीज हो सकता है। इसको छोड़ के स्लीप अपनिया भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है फ्रेंड्स। स्लीपिंग पैटर्न हिल जाता है तो बॉडी का पूरा सिस्टम हिल जाता है, और बच्चों में तो ये एडजस्ट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनके सारे चीज़ों का नॉलेज नहीं है और अकॉर्डिंगली उनका बॉडी एडॉप्ट नहीं कर पाता है। इसके अलावा फैटी लीवर डिजीज, लीवर में फैट जमता जाता है, बच्चे जंक फूड बहुत कंज्यूम करते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, इन सारे चीज़ों से बच्चों को दूर ही रखिए। ये काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है और बॉडी में जाके ये फैट डिपॉजिट करता है, जिसको फ्लस आउट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इन फ्यूचर। देन हाई ब्लड प्रेशर, ये बच्चों में भी हाई बीपी देखने के लिए मिलता है एंड इट्स वेरी पेनफुल गाइज। वी कैन नॉट हैव वी कांट कंट्रोल दैट। जब बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, आपके पास नहीं होते हैं, अचानक से चक्कर आ जाना, उनको पसीना वगैरह बॉडी से निकलना, थकान महसूस होना, हर टाइम हम प्रोटेक्टिव होके तो नहीं रह सकते ना बच्चों के साथ। तो ये सारे हेल्थ कंडीशन उतना सीरियस ना हो उससे पहले हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक इश्यूज, आपका बॉडी अगर काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है या फिर आपके बच्चों का, तो सारा प्रेशर जो है आपके घुटने पे या फिर पैर पे पड़ता है, पूरा बॉडी का वेट, तो उसके वजह से ऑर्थोपेडिक इश्यूज निकलते हैं, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। हमारा तो फिर भी समझ में आता है, हम मेडिसिन ले लेंगे, बाम लगा लेंगे, थोड़ा बहुत मसाज करा देंगे, बट थिंक अबाउट योर चाइल्ड, इतना पेनफुल होगा, उनको भी पेन होगा, उससे ज़्यादा पेरेंट्स को पेन होगा, वो झेल नहीं पाएंगे, उतना ज़्यादा जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा इतने छोटे से उम्र में। इन सब के अलावा जो सबसे मेजर इशू है वो है साइकोलॉजिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चे अगर ओबीज हो जाते हैं ना तो उनका सेल्फ एस्टीम कम घटता जाता है, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो अपने आप को आइसोलेट करा देते हैं। बचपन से आप खा पी के, मतलब बच्चे अगर हट्टे कट्टे रहते हैं तो कहीं आप अपने फंक्शन में फ्रेंड्स के घर गए हैं, कहीं पे उनके बच्चे बैठे हैं तो उनको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, अरे तू तो मोटा है, अरे तू तो मोटी है, कितना खाती है। मेरे साथ हुआ है, मेरा बचपन पूरा वैसे गया है, तो बुरा लगता है एज अ चाइल्ड। उनके साइकोलॉजिकल पार्ट को ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली डैमेज करता है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप बच्चों को अभी से इसके प्रिवेलेंस का जो भी मेथड है वो आप सिखाइए, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अभी बात करते हैं अबाउट द प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन। सबसे पहले प्रिवेंशन के बारे में मैं बता दूँ। प्रिवेंशन में आपको फोकस करना है कि आपके बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कराना है विथ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक हेल्दी स्लीप पैटर्न उनको फॉलो कराना है। उनका एक टाइमिंग आप रखिए कि इस टाइम से इस टाइम आपको सोना ही है, लाइक 7 to 8 आवर्स तो सोना ही है। एक अच्छी नींद पूरी हो रात का, उसके बाद बच्चा क्या बूढ़े क्या, सब लोग बहुत एक्टिव फील कराते हैं, तो वो एक आपको ख्याल रखना है। इसको छोड़ के फिजिकल एक्टिविटीज़ डेफिनेटली कराना है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है। इसको छोड़ के जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है आज के पेरेंट्स को, स्क्रीनिंग टाइम, बच्चे जो फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर्स, गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं ना, उन सारी चीज़ों को आपको लिमिट में रखना है और धीरे धीरे क्विट कराना है, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो बच्चे मतलब डेविएट होते हैं अपने शेड्यूल से
और अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से बाकी सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो ये हो गया अबाउट द प्रिवेंशन। अभी बात करते हैं अबाउट द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मोस्टली फोकस करता है अबाउट द वेलनेस प्रोग्राम एट स्कूल, देन न्यूट्रिशन एजुकेशन, देन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, देन फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स गाइडेंस। इन सारे चीज़ें इंटरवेंशन में इंक्लूड किया जा सकता है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। घर में तो आपको सिखाना भी है, लेकिन अगर स्कूल में ये सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं या फिर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है गाइड करने के लिए आपके बच्चों को और आपको, आपको उसमें भी इन्वॉल्व कराना चाहिए खुद को और बच्चों को, क्योंकि उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं अबाउट द पॉलिसी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एनवायरनमेंट्स दैट सपोर्ट्स योर चिल्ड्रंस हेल्दी चॉइसेस, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे आपका हेल्थ केयर इंटरवेंशन हो गया, जैसे मैंने बताया पहले, स्कूल में वेलनेस प्रोग्राम्स हो गया, कम्युनिटीज़ में हो गया, फूड लेवलिंग, देन इम्प्रूविंग एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड्स, देन प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज एज वेल, देन मार्केटिंग रेगुलेशंस। ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम पॉलिसी और एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके चलते आपके बच्चे भी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। बट इसके लिए इनिशिएटिव तो आपको ही लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं अबाउट द फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट। फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट किसी भी ओबेस पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है उनके लाइफ में, क्योंकि यही दो ही है जिनके सराउंडिंग हमारा दुनिया इर्द गिर्द घूमता है, और बच्चों के केस में तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे जब घर में रहते हैं तो फैमिली का उनकी तरफ ध्यान देना, उनका केयर लेना, उनको पॉजिटिव वे में मोटिवेट कराना, कोई भी इवटिज्म वगैरह अगर हो रहा है बच्चों के साथ, उनसे उनको प्रोटेक्ट कराना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके ब्रेन के ऊपर ये डायरेक्टली असर डालता है। और कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ में जैसे स्कूल आ गया, केयर गिवर्स आ गया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आ गया, जिस एरिया में आप रहते हो, सपोज आप एक सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो सारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उनको इंक्लूड कराना, जिसमें उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा, ये सारी चीज़ का इम्प्रूवमेंट कराने के लिए कम्युनिटी और फैमिली का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन अ पॉजिटिव वे, और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को परस्यू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडप्टिव भी हो जाते हैं। सो यस, दिस टू आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं अबाउट द अवेयरनेस एंड एडुकेशन। देखिए, चाइल्ड ओबेसिटी का अवेयरनेस क्रिएट कराना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, आज के लाइफ स्टाइल के चलते। तो इसमें आप पेरेंट्स को एजुकेट करा सकते हैं, बच्चों को एजुकेट करा सकते हैं, उनके केयर गिवर्स को एजुकेट करा सकते हैं, ताकि चाइल्डहुड ओबेसिटी का जो भी हेल्थ रिस्क है वो समझे, ये चीज़ें आगे चल के कितना सीरियस हो सकते हैं उसको रियलाइज कराना उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रमोटिंग बॉडी पॉजिटिविटी, इम्प्रूविंग सेल्फ एस्टीम, ये सारे जो कंपोनेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर कंप्रेहेंसिव चाइल्डहुड ओबेसिटी इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। सो अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा वाइटल है आज के डेट में अमॉन्ग द पेरेंट्स, द चिल्ड्रेन एंड द सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, उनके सारे इश्यूज को एड्रेस कराना, और जो भी इसका प्रिवेंशन पार्ट है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराना अमंग द पेरेंट्स, द चिल्ड्रेन, द फैमिली, द कम्युनिटीज़, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू हम चाइल्डहुड ओबेसिटी के साथ फाइट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में क्या दिक्कत है और उसके साथ कैसे डील किया जाए, आगे वो पॉजिटिवली कैसे लाइफ हेड करे, हेल्दी लाइफ स्टाइल चूज़ कर सके। तो इसके रिगार्डिंग मैंने जो भी फैक्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आई होप ये आप को और आपके बच्चे के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा इन अ पॉजिटिव वे। आप डील कर सकते हो कि कैसे आगे चीज़ों को परस्यू किया जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है।
मुझे ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सीरियस लगा क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ, तो मुझे पता है इसका सीरियसनेस क्या है। हम बच्चों को लाड प्यार से सब कुछ खिला देते हैं, उनको जैसे चाहिए वैसे लाइफस्टाइल हेड करने के लिए छोड़ देते हैं, बट दैट्स नॉट राइट। कभी कभार ठीक है, बट अगर ये एक रूटीन बन गया है देन यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट द कंसिक्वेंसेस। अगर थोड़ा सा भी मदद मैं कर पाई हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर किया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल लव दोज मैसेजेस, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर दोज मैसेजेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपके पास तुरंत से पहुँच जाए। आई प्रॉमिस हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो भी मेरा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करती हूँ आगे का वीडियो भी इतना ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। बाय गाइस, लव यू।